जगह ही नहीं मिल रही है भाई, कहाँ बैठ के बनाऊं मैं। आग को अपने हाथों पर धर लेता हूँ, हर एक आफत अपने सर कर लेता हूँ। मोमबत्ती के बुझते ही मैं फौरन बाद चांद को अपनी बाहों में भर लेता हूँ। तो गाइस बाहर सुहाना मौसम है, बोलो फद्दू मौसम है, क्या बोलते हो, क्या चल रहा है आजकल। बैक विद अनदर रेड बॉल पूल वीडियो। और भाई साहब मेरे को पता है काफ़ी दिन हो गए ये वाला वीडियो, एक्चुअली मेरे को कुछ दिन पहले डालना चाहिए था, लेकिन खैर तुम लोग समझ के ले लो, जॉब वगैरह चालू है भाई, बहुत ही ज़्यादा बिजी था मैं। और इस बिजी स्केड्यूल में ना भाई मुझे लगता नहीं कि आने वाले वक्त में भी मुझे वक्त ऐसा मिल पाएगा कि मैं भाई कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो तीन चार दिन में अगर एक एक वीडियो डालूँ तो बुरा नहीं मानना, ठीक है। आज की वीडियो में अपन करेंगे बकचोदी मुंबई महल विन स्ट्रीक में, क्योंकि ये इवेंट आया था पिछले वीकेंड पर। और यार ये मिनी क्लिप वाले बहुत ही ज़्यादा चतुर है यार, ये लोग विन स्ट्रीक वाले या फिर कोई भी ऐसा इवेंट देते हैं ना, ये वीकेंड पर ही देते हैं। इन्हें पता है कि लोगों की जॉब वगैरह की छुट्टी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलेंगे उस टाइम पे। लेकिन खैर कोई बात नहीं। और तुम लोग एक बात बताओ, मैं सीरियसली गाइस, तो सीन ऐसा है कि बर्लिन में कॉइन्स इंक्रीज करने से ज़्यादा ना मज़ा मुझे आ रहा है यहाँ पर इवेंट की रिंग निकालने में, इवेंट की क्यूज मैक्स करने में, क्योंकि जो CCP ने हमारे रफ्तार पकड़ लिया है ना भाई, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी जो मेरा अवतार का फ्रेम देख रहे हो ना तुम लोग, ये ग्रीन कलर का है। लेकिन 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 इस वीकेंड आने वाला है आइस लाउंज विन स्ट्रीक वाला इवेंट, और ये वाले में हमारा हो जाएगा ब्लू 100% हो जाएगा, बिकॉज मुझे सिर्फ 200 या 300 ही पॉइंट्स चाहिए ब्लू अवतार फ्रेम अनलॉक करने के लिए। तो CCP बढ़ाना यार हलवा नहीं है भाई, हलवा नहीं है, जलवा दिखाना पड़ता है। तुम लोग अगर अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे हो ना, तो सिर्फ कॉइन्स पर ध्यान मत दो, बिकॉज कॉइन्स क्या है, आवन जावन है, आते रहते जाते रहते हैं, और कभी तुम्हारे पे मिनी क्लिप की कुछ बरसी ना भाई, क्या कहते हैं उसे, वो वर्ड भी नहीं आ रहा है, कृपा अगर बरसी तुम्हारे ऊपर मिनी क्लिप की, तो फिर तुम्हारे अकाउंट में कितने भी कॉइन हो वो एक ही सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करो कि ऐसी कोई कृपा ना बरसे। और इससे मुझे याद आया भाई साहब, अभी तक अगर वीडियो पे बने हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, इतना पहले कर लो, वैसे उसके बाद जो है ना भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि भाई एक बात बोलूँ मिनी क्लिप भाई जिस काम की इजाज़त नहीं देता है ना, वो धंधे हम वहाँ चलाते हैं। तो ठीक है, समझने वाले ये बात समझ गए, नहीं समझने वाले तो खैर उनको थोड़ा टाइम लगेगा दोबारा से पीछे जाके समझ लेना, ठीक है। और यार तुम लोग से एक बात पूछना चाह रहा था, बाय द वे तुम लोग आजकल की जो सिचुएशन चल रही है गेम में, सिचुएशन मतलब कि आजकल जैसा माहौल है गेम में, सबसे ज़्यादा तुम लोग कौन से टेबल पर खेल रहे हो, मतलब कौन सा ऐसा टेबल है गेम में जिसपे सबसे ज़्यादा गेम तुम लोग प्ले करते होंगे। मुझे पता है यार काफ़ी लोगों को वक्त मिलता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं मिलता होगा, कोई हमारे जैसे होंगे काम धंधे वाले, लेकिन फिर भी जो फ्री टाइम जब भी तुम लोग खेलते हो तो सबसे ज़्यादा गेम कौन से टेबल पर खेलते हो, कमेंट करके बताओ। मुझे जानना है भाई कि तुम लोग कहाँ पर भटक रहे हो गेम में, कौन सी दिशा में। अगर जिस किसी ने भी भाई लंदन, सिडनी, अभी तो खैर लिस्बन आया, इन टेबल का नाम किसी ने लिया ना भाई, तो उनके घर पे जाके उनके हाथ से स्टिक ले लेंगे, फ़ोन छीन लेंगे भाई। वो टेबल पर भी मतलब खेलते हैं क्या लोग, मतलब अभी तक खेल रहे हो भाई, मतलब हमारे सिखाने में लगता है कोई कमी रह गई होगी अगर तुम लोग वाकई में उन टेबल पर से खेल रहे हो और देख रहे हो वीडियो को तो। लेकिन कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है, ये मुझे वीडियो अपलोड करना था कुछ वक्त पहले, लेकिन मुझे आज वक्त मिला है, आज मुझे जगह मिली है शांतिपूर्वक, जहाँ पर मैं बैठा हूँ भाड़े की गाड़ी में, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये वाला वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये वाला वीडियो जो है ना नो कमेंट्री रखूँ, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर डाल दूँ, लेकिन फिर यार वो बैकग्राउंड म्यूज़िक में ना यार मौसम नहीं बनता है, मज़ा नहीं आती है, तो इसलिए वीडियो अगर लेट भी डालूँ मैं तो बुरा नहीं मानना, लेकिन अब कमेंट्री वाले डालेंगे, थोड़ी बहुत बकचोदी ज़िंदगी में चलते रहना चाहिए। और आजकल के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए मैं सोच रहा हूँ ना एक चीज़ ऐसी करूँ, मतलब तुम लोगों को पूरी स्टोरी बताओ अपने इस अकाउंट की, फैजान भाई मैसेज कर रहे हैं मैं तुम लोगों को सोच रहा हूँ कि अपने अकाउंट की पूरी स्टोरी बताओ, लेकिन खैर तुम लोग तो शुरू से जुड़े हो ना हमारे साथ यार, तुम लोग को पता है एक्चुअली में कि इस अकाउंट में फाइनल वार्निंग है, फाइनल वार्निंग होने के बावजूद हम जो है इतना इस अकाउंट को ग्रो कर लिए है, तो मसला ऐसा है ना भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब बताओ या नहीं बताओ। सोच रहा था कि ऐसा वीडियो बनाऊंगा स्टोरी टेलिंग में जिसमें इस अकाउंट की पूरी कंप्लीट स्टोरी तुम लोग को बताऊंगा, लेकिन तुम लोग को तो पता ही है यार, तुम लोग एक्चुअली में जुड़े हुए हो स्टार्ट से, जब अपन ने इस अकाउंट में 2020 अनलॉक की थी पहली बार, तब से लेके जब हमने 2020 मैक्स कर ली इसमें, उतना ही नहीं, रेयर और एपिक पे भी हमने पेल दिए इतने सारे कैश, तो तुम लोग को पता ही है क्या मसले हुए हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, बचना चलता है। तो सीन ऐसा था कि हम खेले, बहुत ज़्यादा गेम खेले विन स्ट्रीक वाले इवेंट में, और 26 रिंग में हमारी 26 26 रिंग में हमारी क्यू मैक्स हो गई थी, क्योंकि पहले से मेरी अनलॉक थी ना, तो 26 में हो गया। अदरवाइज मुझे लगता है 28 वगैरह लगती है कुछ तो भी। मेरा अकाउंट देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है भाई साहब। हमारी जो क्यू है वो यहाँ पर हो जाती है मैक्स इंडिया मोती, और आने वाले कुछ इवेंट्स होंगे उसमें भी हम अपनी इवेंट मतलब क्यूज मैक्स कर लेंगे, होपफुली कर लेंगे। बिकॉज यार रैंडम बैकअप को ग्रो करना, यार मैं तुम लोग को थोड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग खुद, आज की तारीख में हर किसी के पास रैंडम बैकअप अकाउंट है, फिक्स बैकअप हर किसी के पास नहीं है, आने वाले वक्त में बचेंगे भी नहीं, तो रैंडम बैकअप को किस तरीके से ग्रो करना है, क्या करना है। तो रैंडम बैकअप को ही हम ग्रो करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि 100 बिलियन कॉइन हो। लेकिन यार मौसम तो बने, मन तो बने बर्लिन में खेलने का, मन ही नहीं कर रहा है। वेनिस में लेके यार फिल्म बना दिया खुद की, वेनिस यार वो वेस्ट चले गया, टोटल वेस्ट चले गया। और वैसे तो मुझे लगता है ख़त्म भी हो गया है वेनिस, अभी बचा भी नहीं अकाउंट में, ख़त्म हो गया वो टोटल। तो बेफालतू मतलब कहीं इंडिया मोती की यहाँ पे हमारी मैक्स हो चुकी है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरा सीसी भी देख सकते हो वहाँ पे 85 होने ही वाला है। मैं एक गेम जाऊँगा ज़रूर, और ये न्यू टेबल जो आया है ना लिस्बन, यहाँ पे एक गेम मैं खेलूँगा इंडिया मोती क्यू से, तुम लोग के सामने इस क्यू को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसी क्यू है, क्या मौसम है। और सच बताऊँ तो यार जो सीसीपी बढ़ने से हमें जो बेनिफिट मिल रहा है ना, स्पीड का है वो बार बढ़ जाता है, फोर्स का और एम का, ये सब इससे जो है गेम प्ले पर फ़र्क पड़ रहा है एक्चुअली में। ठीक है, अब मैं तुम लोग को कैसे समझाऊँ ये, क्योंकि अगर तुम लोग ब्रेक जो देखोगे, नॉर्मली इंसान कैसी ब्रेक करता है गेम में, ऐसी वाली ही ब्रेक करता है, और मैक्स मतलब फुल बैक स्पिन से एक ब्रेक करता है यहाँ पे। लेकिन अभी मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब भी तुम लोग इस तरीके की ब्रेक करोगे ना, तो क्यू बॉल पॉट हो जा रहा है ब्रेक में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये मैं तुम लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा, ऐसी ब्रेक कैसे सक्सेसफुली ब्रेक करे, क्या मौसम करे, मतलब कैसा सीन बनाए। ये होगा बाय द वे इस वीडियो का आखिरी गेम, मुझे पता नहीं भाई, मैं वन टेक वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैंने 15-20 टेक ऑलरेडी ले लिए अलग अलग लोकेशन पर जाके, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई यार आके बकचोदी कर देता है, कोई गाड़ी पोम पोम बजा देती है, कोई साइकिल वाला ट्रिंग ट्रिंग कर देता है, और कोई तो है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी फाइनली यहाँ पे ये वाला गेम यार मैं खेल रहा हूँ इनडायरेक्ट, बिकॉज मुझे ये क्यू को थोड़ा देखना था कि कैसी क्यू है, किस हिसाब में चलेगी। और ज़रूर कमेंट करके बताना कौन से टेबल पे तुम लोग सबसे ज़्यादा खेल रहे हो। यार वॉइस ओवर करने में सीन ऐसा है ना यार कि मतलब थक जाता हूँ मैं, और कभी कभी टॉपिक ख़त्म हो जाता है बात करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ इनडायरेक्ट, और क्या बोलते हो, पास हो रहा है नहीं हो रहा है, ये डबल बैंक, डबल बैंक रेड को, अरे फ्लूक फ्लूक फ्लूक, डबल बैंक खेल रहा था मैं, फ्लूक फ्लूक, नसीब साथ दे गई वहाँ पे, नसीब साथ दे गई, कोई बात नहीं, चलते रहता है। और यार एक है सीन, एक का तुम लोग को भी मैं गुड न्यूज़ समझ लो या बैड न्यूज़ समझ लो, खैर हेटर लोग बैड न्यूज़ ही समझेंगे, बाकी अपने वाले जो होंगे गुड न्यूज़ समझेंगे। आने वाले वक्त में अपन जो है यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम्स करने वाले हैं, जिसमें अपन करेंगे, मैंने इंस्टा पे ऑलरेडी एक स्टोरी डाला था कि गेम प्ले विद फॉलोअर्स करे या कॉइन्स इंक्रीज करे, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने वोट दिए है गेम प्ले विद सब्सक्राइबर को, तो हम खेलेंगे सब्सक्राइबर के साथ, थोड़ी बहुत बकचोदियाँ होंगी वहाँ पे। मुझे पता नहीं कब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पर बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसके रिलेटेड एक और चीज़ है वो भी मैं तुम लोग को आने वाले वक्त में बता दूंगा। तो बने रहो, जुड़े रहो, वीडियो यहाँ पे समाप्त करते इतना ही बोलूँगा, चिंगम को चबा के पूरी जलो दबा के अपन फिर मिलेंगे।